नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, वायस राय में गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, इन सब में मैंने अंतर बताया था अभी एक वीडियो में, तो अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाई करके। देखिए, पहले क्या होता था कि जब बंगाल में सबसे पहले कब्जा करना चालू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 1690 में पहले उनको छोटी छोटी पोस्ट के लिए जो बंगाल का नवाब था उसने कुछ राइट्स दिए थे, तो वो अपनी ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करते थे, ठीक है। तो उस टाइम वो एजेंट हुआ करते थे मुगल जो साम्राज्य था, मुगल शासन था उसके, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी पावर बढ़नी चालू हुई, तब उनको फिर वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाने लगा। फिर जब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था बंगाल में, तो फिर वहाँ का जो बंगाल का नवाब था उसको हटा दिया गया था, उसको मार दिया गया था, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ पे जनरल नहीं आया है, ठीक है। तो पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसने फिर डुअल सिस्टम इस्टेब्लिश किया था कि जो दीवानी और निजामत वाले राइट्स थे वो उनके पास थे, ब्रिटिशर्स के पास, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा को रखा गया था, पपेट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसमें जो एक गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव, इस वाली पोस्ट को अपग्रेड कर दिया गया, अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पूरा नाम इसका क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 1774 से ये पोस्ट हुई, वॉरेन हेस्टिंग इसमें पहले सबसे पहले जो बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर 1833 में जो ये गवर्नर, और देखिए जब 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और उसके अलावा जो मद्रास का और बॉम्बे का जो गवर्नर जनरल था उसको, उन दोनों को बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके अधीन ला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। और वो पहला ऐसा कौन सा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद फिर 1857 का जब क्रांति हो गई थी तो 1858 में जो एक्ट हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुए थे, उसमें फिर सबसे ऊपर ला दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मतलब वो बाहर का यूके पार्लियामेंट का मेंबर था, वो वहां से कंट्रोल कर रहा था पूरे इंडिया में। लेकिन इंडिया का जो शासन था उसमें क्या जोड़ दिया गया, वॉयस राय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वॉयस राय प्रिंसली स्टेट के लिए हुआ करता था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो मेजर प्रोविंस थे उनके लिए होता था। तो ये था फिर कॉन्सेप्ट टोटल, मतलब 1858 के बाद सबसे टॉप पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको जो रिपोर्ट करता है वो करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉयस राय, और उसके नीचे फिर हैं उनको राइट दिया गया था जितने भी प्रोविंस हैं जो छोटे छोटे, ये जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनके गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर उनके, ठीक है। तो जैसे उस टाइम में आज आप सोचिए तो जैसे ये स्टेट है तो ये स्टेट के गवर्नर हो गए और ऊपर ये कौन हो गया, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वॉयस रॉय ऑफ इंडिया। बस उसकी पोस्ट वहां पे ये थी कि प्रिंसली स्टेट वाली जगह पे सेरेमोनियल पोजिशन क्रिएट कर दी थी वॉयस रॉय। बस ये है बेसिक डिफरेंस कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉयस रॉय के बीच में। तो ये है बेसिक चीजें। फिर बाकी मैंने उसमें बताया था कि काउंसिल पहले चार की थी, वो उसको असिस्ट करती थी, फिर उसमें कुछ चेंजेस कराए गए, एक लॉ मेंबर करा गया, फिर उसको धीरे धीरे और ज़्यादा ये वायस रॉय की काउंसिल भी बना दी गई। ये सब चीज़ें मैंने उसमें वीडियो में डिटेल में बताई, आप देख लीजिएगा उसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग।